हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिनिश कर लिया हुआ है। इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो आज जो हम हैं डिस्कस करने जा रहे हैं आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा जी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को फिनिश करने से पहले हमें दो टर्म पता होने चाहिए, परमीबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब देखो, ये वाली टर्म्स आपको काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ होंगी। देखो, परमीबल मेम्ब्रेन क्या होगी, जिसमें से हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों पास कर जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं परमीबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी, यहाँ से आपके सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करते हैं और आपके सल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है सर्टेन एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, उसके बाद पारचमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन एंड कॉपर फेरसाइनाइड। जो सेलोफेन है ना, ये मेम्ब्रेन आपकी थिन लेयर होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है ये आपकी सेलोफेन, ठीक है। गाइस, पता लग गया परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देख लो एक बार डेफिनेशन, मेम्ब्रेन थ्रू विच बोथ सल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास इज कॉल्ड एज योर परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल क्या क्या होगा, मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ योर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल सर्टेन एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन एंड कॉपर फेरसाइनाइड डिपॉजिटेड ऑन द पोर्स ऑफ ग्लास प्लेट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा जी। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो फिनोमिना था, जो फर्स्ट स्टडी किया था किसने, एबे नॉलेट ने इन 1748। इसने क्या कहा, इसने बोला कि जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या क्या करेंगे, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड से मूव करेंगे किस साइड, सोल्यूशन साइड। और इसने क्या बोला कि जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो किस साइड मूव करेगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड। देखो हमारे पास क्या था, क्या हो जाएगा, आपके पास ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन वाली साइड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, या क्या हो जाएगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड जाएंगे। अब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा डिल्यूट होगा, डिल्यूट मीन जिस जिसमें ज़्यादा वाटर होगा, डिल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये प्रोसेस क्या होता है आपका ऑस्मोसिस। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है इस ऑस्मोसिस प्रोसेस का। हम देखते हैं क्या आया हमारे पास। अगर ये देखो, आप क्या करते हो, एक बीकर ले लो, ये हमारे पास एक बीकर है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये इसमें दो कंपार्टमेंट बना देते हैं। ये जो आपकी मैंने लाइन ड्रा की, ये क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक में क्या है आपका, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और हम कह सकते हैं कि डल्यूट, और इस साइड क्या है आपका, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और किसका सोल्यूशन लिया हमने, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस क्या है, वाटर। अब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वाली साइड। अब देखो यहाँ ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, यहाँ से सिर्फ जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना वही पास करेंगे, ना कि जो कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल टाइप्स के पोर होते हैं, ठीक है। उस पोर से सिर्फ हमारा क्या करेगा, वाटर मूव करेगा ना, और ये क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है मूवमेंट किसका, जो कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब देख लो, यहाँ से मॉलिक्यूल्स कौन से, वाटर वाली जो हाई लेस कौन से, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मीन डल्यूट से आपका किस साइड मूव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहें, हमारे पास एक एग्जाम्पल और आ सकती है हमारे, कौन सी, स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ एग। देखो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये आपके पास एक बीकर ले लो, इसमें क्या किया हमने, वाटर ऐड किया, इसमें कुछ वाटर होगा, और इसमें क्या किया हमने, एग
को ऐड किया। अब देखो एग का, अब ये जो वाटर है ना ये क्या है, डिल्यूट है, ये डिल्यूट सॉल्यूशन है। मीन जो एग के आउटसाइड यहाँ पे वाटर होगा वो क्या होगा, डिल्यूट होगा, और इसके इनसाइड क्या है, ये क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब क्या होगा, जो वाटर क्या करेगा, वाटर आउटसाइड से इनसाइड वाली साइड मूव करेगा, ठीक है, वाटर आउटसाइड से इनसाइड वाली साइड मूव करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब वाटर अंदर वाली साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, जो आपका एग क्या कर जाएगा, स्वेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है गाइज, एग क्या कर जाएगा आपका, स्वेल कर जाएगा। इसी तरह आप सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, श्रिंकेज वाला केस, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप लेते हो यहाँ पे ये बीकर, ठीक है, तो यहाँ पे एग ले लो, ये आ गया। अब यहाँ पे जब वाटर होगा, ये आपने यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन लेंगे हम। अब ये जो NaCl का सोल्यूशन है ना बेटा जी, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये इनसाइड होगा वो क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, क्योंकि NaCl क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस केस में जो आपका वाटर होगा वो कहाँ से मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से आउटसाइड मूव करेगा। और जब आउटसाइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल है किसकी, ऑस्मोसिस की, ठीक है, पता लग गया। ये हमने ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम एक डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे। देखो क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, बीकर लेंगे। अब उस बीकर में हम क्या करते हैं, एक ट्विस्टेड फनल डाल देते हैं, ठीक है, इस बीकर में एक ट्विस्टेड फनल डालेंगे जो किससे सेपरेट होगी, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और इस फनल के अंदर क्या है, शुगर सोल्यूशन है, इस फनल के अंदर क्या है, शुगर सोल्यूशन आपका। तो क्या हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, अब बाहर क्या है आपका, वाटर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर, ये आपकी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन से क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इस फनल में इंटर करेगा। अब जब वाटर इस फनल में इंटर करेगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाटर का लेवल राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो इस वाटर का लेवल कहाँ तक राइज करता है, थ्रू एच हाइट, ठीक है, एच हाइट तक इसका वाटर लेवल राइज करेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब वाटर लेवल राइज होने के बाद ये वाटर लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से कुछ प्रेशर, ये जो सोल्यूशन होगा इस फनल के अंदर, ये प्रेशर एक्ट करेगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, कि जो ये जो वाटर है, यहाँ से जो वाटर इंटर कर रहा है इस फनल के अंदर, उसको, उस वाटर की मूवमेंट को रोकेगा जो हम प्रेशर, वो जो ऊपर से सोल्यूशन एक्ट करेगा, ठीक है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइन करना है, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, एच रो जी। एच क्या आ जाएगा, जो आपने यहाँ से कितना वाटर लेवल राइज किया है, ठीक है, रो क्या होगा आपके पास, डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, जो आपका शुगर सोल्यूशन है उसका डेंसिटी कितना है, और जी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। और जब आपके पास, जो आपको तीनों ये चीज़ें पता लग जाएंगी, तो आप ऑस्मेटिक प्रेशर को फाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वेन ट्विस्टेड फनल कंटेनिंग शुगर सोल्यूशन कवर्ड विद SPM इज प्लेस इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है, हमने क्या कर दिया, वाटर में प्लेस कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर इंटर्स इनटू द फनल, वाटर क्या करेगा, फनल में इंटर करेगा, एंड लेवल ऑफ द सोल्यूशन बिगिन टू राइज, और सोल्यूशन का जो लेवल होगा वो क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम दिस लेवल बिकम्स कॉन्स्टेंट, कुछ देर के बाद क्या होगा, वो लेवल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और हम हमारी जो प्रोसेस ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगा। दिस स्टेज इज नोन एज योर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट दिस स्टेज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट द मेम्ब्रेन स्टॉप द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन टू द सोल्यूशन। अब जो जो वाटर फ्लो कर रहा था आपका सोल्यूशन वाली साइड, वो क्या मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वाटर का रुक जाएगा। दिस इज द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज सफिशियंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मालिक्यूल टू द सोल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड एज योर ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है बेटा जी। तो ये था आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं इसका, अगर लेना है तो देखो उसमें हम क्या करेंगे, आप ये ले लो,
एक बीकर ले लो, ठीक है, एक बीकर ले लेते हम, और उसमें क्या करेंगे, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसको दो कंपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देंगे। एक जो कंपार्टमेंट है उसको हम ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं, एक नैरो ट्यूब के साथ कनेक्टेड किया उसको, ठीक है, ये समझो क्या है, नैरो ट्यूब के साथ कनेक्टेड किया। और इसमें क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्यूशन है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, एक पिस्टन के साथ, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक पिस्टन के साथ, ये आपके पास पिस्टन है। अब देखो ऑस्मोसिस तो आपको पता है कि क्या होगा, आपका ये जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटर सोल्यूशन है, ये आपका लेस कॉन्सेंट्रेटर सोल्यूशन है। अब क्या होगा, जो यहाँ अब सोल्यूशन जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस कॉन्सेंट्रेटर से हाई कॉन्सेंट्रेटर वाली साइड मूव करेंगे। अब जब यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो पिस्टन होगा, ये जो पिस्टन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये जो पिस्टन कनेक्टेड है ये क्या हो रहा है, बाहर वाली साइड मूव करेगा, अपवर्ड्स अपवर्ड वाली साइड, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस वाटर को, इस जो यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ पे मूव कर रहा है इस वाली कंपार्टमेंट वाली साइड, अगर उसको रोकना है कि वो यहाँ से यहाँ पे ना आए, तो हमें क्या करने का, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे विद दिस पिस्टन, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है। अब जब मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई करेंगे, सो दैट विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन साइड, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा जी। तो देखो आपके पास क्या, आपके पास डेफिनेशन हो जाएगा, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड जस्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड योर ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये मैंने बता दिया डेफिनेशन। अब यही लिखा हुआ है, जो कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट होंगे, दो कंपार्टमेंट है सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक एक कनेक्टेड है किससे, नैरो ट्यूब से, उसमें क्या सॉल्वेंट, और अदर किससे कनेक्टेड, फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, उसमें क्या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब ऑस्मोसिस से क्या होगा, सॉल्वेंट क्या किस साइड मूव करेगा, सॉल्यूशन वाली साइड जिसमें कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेटर क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई है, और पिस्टन क्या करेगा आउटवर्ड साइड मूव करेगा। अब उस फ्लो को रोकने के लिए, टू स्टॉप दिस मूवमेंट ऑफ वाटर वी हैव टू अप्लाई सम प्रेशर, हम क्या करेंगे पिस्टन से कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को हम क्या विच, और वो प्रेशर क्या क्या करता है, हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। दिस प्रेशर विच इज जस्ट सफिशियंट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड योर ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है गाइज, पता लग गया ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, नाम से क्लियर है, अपोजिट प्रोसेस होगा, सोल्यूशन से किस साइड मूव करेंगे हम, आपका सॉल्वेंट वाली साइड, और सॉल्वेंट वाली साइड क्या होगा, कब मूव करेगा, जब यहाँ से हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो क्या करेगा। अब देखो एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उस मिनिमम प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ज़्यादा प्रेशर मूव, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो आपके जो यहाँ से मॉलिक्यूल्स हैं इस वाली साइड से, इस वाली साइड से, सॉल्यूशन वाली साइड से किस साइड मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इस वाली साइड आपका इस कंपार्टमेंट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ टेक्स प्लेस होता है, डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करेंगे, जब हम डिसेलिनेशन मीन रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, तो उस प्रोसेस में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करो इस वाले कंपार्टमेंट में, इस वाले कंपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, सी वाटर को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो फ्रेश वाटर होगा, ठीक है, इस वाले कंपार्टमेंट में, ये वाले, इस वाले कंपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आपका सी वाटर, और सी वाटर क्या है, सी वाटर और आपका सॉल्ट, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में क्या है, सी वाटर और सॉल्ट, और इस कंपार्टमेंट में क्या है आपका फ्रेश वाटर। अब आपके जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लार्ज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ से इस कंपार्टमेंट में मूव नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी मूव, तो यहाँ से जो वाटर होगा वो क्या करेगा, इस साइड मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता है फ्रेश वाटर है, तो इस प्रोसेस से हम रिवर्स ऑस्मोसिस से हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करते हैं, हमारे पास क्या होगा, थ्रू हमारे पास प्योर वाटर मिल जाता है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये था आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो हमारे पास कुछ तीन टर्म्स हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो आपका
विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखो इसका हम क्या इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या आपके पास, इस बीकर में आप रेड ब्लड सेल रख दो। ठीक है, इस बीकर में क्या कर दिया हमने, रेड ब्लड सेल रख दिया, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। अब जो आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेटेड है ना बेटा जी, वो क्या होता है, 0.91% NaCl। ठीक है, अब ये 0.91% ऑफ NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये जो, ये तो इसका कॉन्सेंट्रेटर, ठीक है, आरबीसी का। अब ये जो वाटर ऐड करेंगे यहाँ पे, हम इस साइड जो वाटर ऐड करेंगे, इसका जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो भी क्या होगा, 0.91%। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेटेड सेम है तो वो क्या हो जाएगा, कौन से सोल्यूशन होंगे, आइसोटोनिक। अब देखो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा आपका, अब आरबीसी का कॉन्सेंट्रेटेड तो आपको पता ही है, आरबीसी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो आरबीसी सेल्स का कॉन्सेंट्रेटेड है वो क्या है, 0.91% ऑफ NaCl, ये फिक्स रहेगा। अब हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, ए सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन। अब यहाँ पे, अब लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखो यहाँ से इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, लेस है। ठीक है, इस वाटर का कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू दिस। तो अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका सोल्यूशन, आपका मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से रेड ब्लड्स वाले, रेड आरबीसी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब जब आरबीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, आपका आरबीसी क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर अदर देन अदर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है बेटा जी, पता लग गया आपके पास आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और जो हाई। तो अगला हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेथड टू मेजर ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है। तो फर्स्ट इसमें जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, बार्कले एंड हार्टले मेथड। ठीक है, इसका जो अपर्टस है वो देखो यहाँ पे इस तरह का अपर्टस है। इसमें क्या होगा, आपका एक पोरस पॉट होता है, इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, वाटर रिजर्वायर से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब से। ये देखो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब से ये कनेक्टेड है, और एक यहाँ से ही इस सॉल्यूशन वाली साइड से, यहाँ पे ये एक पिस्टन से कनेक्टेड है, यहाँ से हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और ये जो पिस्टन वाला पार्ट है यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, प्रेशर गाज से, जिससे हम जो ऑस्मेटिक प्रेशर जो अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करेंगे उसको मेजर करेंगे इस प्रेशर गाज से। ठीक है, अब ये जो ये मेम्ब्रेन, ये क्या है आपके पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड से, यहाँ पे ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये से बना हुआ है। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस अपर्टस कंसिस्ट ऑफ योर पोरस पॉट ओपन एट बोथ एंड कंटेनिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरिसाइनाइड। एक एंड किससे कनेक्टेड है, वाटर रिजर्वायर से, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द कैपिलरी ट्यूब, बता दिया मैंने डायग्राम में आपको। अब होगा क्या, दिस पॉट इज फिल्ड विद वाटर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये वाटर है। अब वाटर से डल्यूट सोल्यूशन से किस साइड मूव करेगा, कॉन्सेंट्रेटर वाली साइड, तो वाटर से वाटर किस साइड मूव करेगा, इस वाली साइड। ठीक है, ये वाटर मूव करेगा इस वाली साइड। ठीक है, यहाँ से इस वाली साइड में मूव करेगा, एंड इज फिल्ड विद सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। अब सोल्यूशन भी देखा आपने, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस वाटर फ्लो फ्रॉम पोरस पॉट इन टू द सोल्यूशन। अब पोरस पॉट से सोल्यूशन वाली साइड मूव करेगा किससे, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विच इज शोन बाय फॉल ऑफ वाटर लेवल इन कैपिलरी ट्यूब। अब जब ये वाटर यहाँ से इस वाली साइड मूव करेगा तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन जस्ट टू स्टॉप ऑस्मोसिस विच मेजर द ऑस्मेटिक प्रेशर एंड कैन बी रीड फ्रॉम द प्रेशर गाज। अब देखो जब वाटर यहाँ पे इस साइड मूव करेगा तो यहाँ पे सोल्यूशन का जो लेवल होगा वो क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब राइज करेगा तो ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन क्या करेगा, आउटवर्ड साइड मूव करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल, यहाँ से इस पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे जो क्या करेगा, इस जो वाटर का मूवमेंट है उसको क्या कर देगा,
रोक देगा इस वाली साइड आने को, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे मेजर करेंगे, ये जो प्रेशर गाज है, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को हम किससे मेजर करेंगे, ये जो प्रेशर गाज है, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गया आपका मेथड जिससे हम क्या करते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास वेंट हॉफ लॉ। अब देखो वेंट हॉफ लॉ क्या करेगा, आपके पास जो ऑस्मेटिक प्रेशर है पाई वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेटर के, ठीक है। इसी तरह जो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के भी, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड के कैसे डिपेंड है, अगर आपके पास कोई डल्यूट सोल्यूशन है जैसे इथनॉल है, ठीक है, या आपके पास लेस डेंस सोल्यूशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर लेस डेंस होगा तो आप लो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल्स होंगे सोल्यूशन वाली साइड से इजिली मूव कर जाएंगे सॉल्वेंट वाली साइड। लेकिन अगर डेंस डेंस आपका कोई लिक्विड है जैसे ऑयल ले लो, ठीक है, हनी हो गया, ठीक है, वो क्या होता है हाई डेंस होते हैं, तो उस केस में आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि आपका जो सोल्यूशन है सॉल्वेंट साइड वाली साइड मूव करें, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, जो आर है वो क्या है हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट, आर क्या है आपका गैस कॉन्स्टेंट, इसका जो वैल्यू वो क्या होता है 0.08821, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड सी, सी पता है आपको किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सब्स्टिट्यूट कर दो पाई की, पाई को इसमें सी की वैल्यू इस पाई में, तो क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू आर इन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, इस वी को इधर ले जाओ, इसको वी के साथ मल्टीप्लाई कर दो पाई के साथ, पाई वी इज इक्वल टू आर एन बी इन टू टी, तो ये आपके पास क्या हो गया वेंट हॉफ ला, क्या हो जाएगा वेंट हॉफ ला की ये क्या आ गई इक्वेशन, वेंट हॉफ एच ओ एफ, वेंट हॉफ ला का इक्वेशन हो गया। अब देखो यहीं से अगर आपको क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास सबको पता ही है किस तरह फाइंड करते हैं, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, पाई वी इज इक्वल टू एन ऑफ पी एन ऑफ बी इंटू आर टी इंटू आर टी। अब देखो एन ऑफ बी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करते थे, वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा एम ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी आर टी डिवाइडेड बाय पाई वी। अब आप अगर आपको ये सारी टर्म्स पता है तो आप ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा जी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी क्या होगी, फिनिश होगी। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ आइडियल सॉल्यूशन और आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बचा हुआ है, उसके बाद आपके पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपके दो तीन टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे इस पर, ठीक है गाइज। तो चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ओके बाय।